अभी फिलहाल हम है बाईशा में, मापुटू में, मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटू के बाईशा एरिया में आप देख रहे हो, और काफी भीड़ है सैटरडे होने के बावजूद। और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपने बच्चों को लेके मंदिर में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आज कैंप जाने वाला है सालामांगा के लिए। तो दोस्तों यही आज का वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग है, बने रहिए। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। मापुटू में इस तरीके से आप बहुत सारी गाड़ियां देख सकते हो, जो कि जिसे शापा कहा जाता है। और यह कार कई बार सिर्फ मापुटू में और कई बार मापुटू मतोला और मापुटू से साउथ अफ्रीका भी जाते हुए दिखेंगी। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मंदिर में, बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आए थे सब लोगों अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो एक दिन का कैंप था और सैटरडे टू संडे तक का, और वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होने वाली थी, तो सारे अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आए थे। अराउंड 47 लड़के और 45 के अराउंड लड़कियाँ थी, जो कि यहाँ पे HSS के जो कार्यकर्ता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया था। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत बढ़िया से सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। यहाँ पे सामने जो ब्लैक कलर सूट में दिख रहे, ये मेन कार्यकर्ता है। हालांकि तभी मुझे पता नहीं था तो उनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया। तानिया एक्चुअली पहली बार अकेले जा रही थी विदाउट अपने पेरेंट्स, तो थोड़ा सा मुझे चिंता तो थी, लेकिन मुझे काफ़ी भरोसा था कि इस चीज़ से वो काफ़ी कुछ सीखेगी। और आयुष तो ऐसे कैंप में पहले भी गया था, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसे कोई इशू भी नहीं थे, फ्रेंड्स के साथ मैं एंजॉय भी कर रहा था। HSS जब मुझे अलाउ करेगा तब मैं ये सारे कार्यकर्ताओं से भी मिलाऊंगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और ये सब बच्चे रेडी हो चुके हैं, लेकिन कुछ मम्मियाँ रो रही थी, पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मियाँ होती ऐसी है। दो बड़ी बसेस सिर्फ और सिर्फ बच्चों की थी, साथ ही साथ कुछ गाड़ियां भी थी जिसमें सामान थे, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर भी इसमें हेल्प करने वाले जो कार्यकर्ता है वो भी सारे उसके बाद में एक एक करके यहाँ से निकल गए। बच्चे लोग तो चले गए हैं अपनी पिकनिक मनाने के लिए, और अभी टाइम आ गया है बीवी को भी छोड़ने का। उसका फिलहाल अभी है मीटिंग, तो मीटिंग के लिए जा रही है। लेकिन मीटिंग के थीम के हिसाब से जो बनी है वो आप देख सकते हो, वो वास्तव की अपनी रघुबाई बनी है। रघुबाई भाई साहब, मेरे को इसके बाजू में बैठने से भी डर लग रहा है फिलहाल। okay? ये लेडीज लोगों का मीटिंग वगैरह होते रहता है और ये लोग ऐसे सब कुछ थीम रखते हैं और फुल टू एंजॉय करते हैं। ओके, तो आज वो लोग भी एंजॉय करेंगे, अभी अपन भी जाएंगे कुछ करेंगे एंजॉय। ओके, ये जो भी रही ना क्या सर मैं ये काई ना था ये को तू सोचिस तो एंजॉय नहीं करी है गाइस। या बस एम दोस्तों, बच्चे गए उसको कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि घर में अभी क्या है, बच्चे नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो फिर वहाँ से जाके आए, मंदिर में जाके आए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि घर एकदम खाली खाली है। तो अभी देखते हैं, सुबह हम लोग सालामांगा जाने का सोच रहे, तो हम लोग जाएंगे फिर वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपको दिखाएंगे, और देखते हैं आज थोड़ा मूड ऑफ है। वेलकम 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 वेलकम। हरि ओम
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। यहाँ पे सब बच्चे और मेंटोर्स और वॉलेंटियर्स बैठ के एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सके और बच्चों को नॉलेज भी दे सके। आगे फिर क्वेश्चन आंसर राउंड थे जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, अपना नॉलेज शेयर किया और कुछ सीखा भी। नेचर के बीच में यह साला मांगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है और बर्ड्स की किलकारियाँ और यह सुबह का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया। उसमें बच्चों ने योगा की प्रैक्टिस की, साथ ही साथ कुछ गेम्स खेले और मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन हो चुका है और आज संडे है। बच्चे लोग तो साला मांगा है वहाँ पे, उनके एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है और अब हम लोग भी जा रहे हैं, एक्चुअली निकल चुके हैं यहाँ से। तो प्रियेश भाई और वो सब लोग भी रास्ते में हमको मिलेंगे, फिर सब लोग साथ में ही जाने वाले हैं। तो आज संडे का दिन साला मांगा में बिताने का पूरा प्लानिंग हो चुका है, तो चलो आगे मिलते हैं। एनर्जी नीचे आ रही है, ठीक है, और आप टेक केयर नहीं कर रहे तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर उस समय अगर आपने एनर्जी को कंजर्व कर लिया और उसको मेंटेन किया तो फोड़ने के बाद तो शॉर्टेज नहीं कह रहे, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक की तरह होता है। तो ये हमें शुरू से अपनी देखभाल खुद करनी और एक हेल्थ वहाँ दवाई क्या है, कुछ दवाई नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ है, तो नेचुरल। तो नेचुरल रेमेडी को हमें अडॉप्ट करना है और जितने हम केमिकल्स डालते रहते हैं हमें लगता है कि सिरदर्द तो तब हो गया, लेकिन एक गोली से नहीं, दूसरी गोली से नहीं, फिर लगेगा एक गोली और खा लेते हैं और वो दवा देगी आपको। तो दवा इज जस्ट टू डिजीज प्रेस, बट इट इज नॉट क्योरिंग जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, वो आपको करना। Here, like he said, their responsibility.
चीज आई डोंट टेक देम आई नो नाउ बट आई हैव लर्नड अ लॉट टू लाइक टेकिंग केयर ऑफ लिटिल चिल्ड्रन एंड लाइक देयर आर पीपल दैट आर बोर्न विद सोशल स्किल्स. Of finance. Yeah. So big round of applause for our team HSS and parents. दोस्तों मैं सच में HSS से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं देख पाता हूँ कि इनका जो एफर्ट है वो एकदम प्राइसलेस है. साथ ही साथ वॉलेंटियर्स ने भी बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किया और उसके बाद में यहाँ पे टाइम था खाना खाने का, तो खाना खाने के लिए सारे लोग आ गए. हम लोगों ने खाना खाया और खाने में बहुत ही सिंपल सा खाना था लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. टेस्टी होने ही वाला था क्योंकि भगवान का प्रसाद जो था. तो आप देख सकते हो हम लोगों ने इस थाली भर के मस्त पेट पूजा की. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही साथ जाते जाते कुछ स्नैप्स भी देखते जाइए, फ़ोटोज़ भी देखते जाइए किस तरीके से यहाँ पे बढ़िया सा परफॉर्मेंस हुआ था. तो दोस्तों मैं हूँ अमित चावड़ा, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते. जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कर दीजिए. इट्स मोटिवेट्स मी. बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा.